डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो दगड़ियों, पिछला ब्लॉग आपने देखा, आई होप आपने काफ़ी मस्ती करी होगी, खूब एंजॉय किया होगा। तो निकल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को अब, और मौसम बना हुआ जबरदस्त वाला। तो देखते हैं कहाँ ले चलते हैं विकास भाई आज। उदयपुर की पूरी सैर करनी है, एक एक लोकेशन कवर करना है, तो चलते हैं। सभी आ गए हैं राइडर बाहर अपने, तो सभी लोग बाहर आने लग गए हैं और अपने अपनी कमान संभाल ली है सबने। तो सभी लोग फाइनली हो गए अपने अपनी तैयारी के साथ रेडी। ये देखो राइडर अपने कमान संभालने अपनी अपनी गाड़ियों की। वाह। तो देखो आज हम जा रहे हैं उबेश्वर, और देखते हैं कैसी लोकेशन है वहाँ की। उबेश्वर जी, आज हम जा रहे हैं उबेश्वर जी, पहले जी को। तो यहाँ पर रुक गए हम सभी लोग अभी। पता नहीं बार बार ये संजय और की स्कूटी में हवा कम लग रही है, क्या लग रहा, पंचर हो गया क्या हो गया है, तो इसको दिखवा रहे हैं। तो दोनों वेट वाले भी हैं ये। जय हिंद, जय भारत, जय हो। तो यहाँ पर अब राइडर चेंज हो रहे हैं, अब अनुष्का चलाएगी अब यहाँ पर बुलेट। बुलेट मैडम थंडरबर्ड ये हैवी ड्राइवर। चलो 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 मेरे वीर जवानों, चलो। तो गांव की तरफ कुछ आ रहे हैं आज हम मजे लेते हुए। ये सभी एंजॉय करते हुए फुल मस्ती से। वाह, ओए होए। दगड़ियों आप सामने का नजारा देख रहे हो, क्या जबरदस्त नजारा है उदयपुर में, क्या मस्त लोकेशन है यार, बाय गॉड। हाँ, उदयपुर में ले रहे हैं लद्दाख के मजे। यो यो, और बारिश हो रही जबरदस्त वाली, मस्त मस्त एंजॉय करते हुए हमारे राइडर आगे पीछे सब लगे हुए हैं लाइनदार पे। वाह, अरे मैंने स्कूटी भी चलाई थी, बड़ा मजा आया था यार पहाड़ों में स्कूटी चलाने में। ओए, संजय भी लगा हुआ है पीछे। तो आप लोग एंजॉय कर रहे हो उबेश्वर का रूट, ये उबेश्वर जाने वाला रूट है। उबेश्वर जी गांव की तरफ से अभी निकल रहे हैं हम। वाह, तो अभी हम पहुंचे हैं हनी आसमान ग्राम धार, ये ग्राम धार है। वाह, मज़ा आ रहा है बहुत, और वाह यार क्या हल्की हल्की बारिश फील हो रही है। इधर पूरा गांव है ऊपर ये, और पहाड़ियाँ तो बहुत ज़बरदस्त है भाई, मज़ा आ गया मज़ा। हाँ, इधर गांव का रूट है और चारे के लिए बकरियाँ जा रही हैं। सभी राइडर हमारे धीरे धीरे रुकते हुए, और मौसम बना हुआ है जबरदस्त वाला। चल मुसाफिर, चल मुसाफिर, चल मुसाफिर, ओ मजे लेते हुए। यहाँ से क्या अद्भुत नजारे हैं यार, जबरदस्त वाले, टॉप ऑफ द हिल जाते जा रहे हैं हम। वाह, वाह यार, वाह, बारिश का मौसम भी हो रहा है, रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो रही है, मस्त वाली। तो यहाँ से जो मैं सामने के नज़ारे आपको दिखा रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त हैं, और बारिश पूरी लगी हुई है हल्की फुल्की, और पूरा मज़ा आ रहा है ज़बरदस्त वाला। तो देखो नीचे का लोकेशन देखो, और ऊपर को देखो, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, हम टॉप ऑफ द हिल को जा रहे हैं। हम पहुँच गए उबेश्वर मंदिर जी के पास। उबेश्वर जी यहाँ पर धाम जग रहा है, और ऊपर देखो लंगूर कितने बैठे हुए हैं। वाह, ये देखो टेम्पल है यहाँ पर ये, और ऊपर देखो कितने सारे लंगूर बैठे हुए हैं। तो हम वहाँ से आगे को निकल गए हैं, क्योंकि हम आगे साइड टॉप में जा रहे हैं, तो देखते हैं आगे जाके वहाँ वो ऊपर जो टॉप दिख रहा हो, तो आगे का तो बताता हूँ आपको मैं। नीचे का देखो क्या जबरदस्त व्यू है यार, क्या जबरदस्त, वाह अद्भुत यार अद्भुत। आ जाए हम टॉप ऑफ द हिल, उबेश्वर उबेश्वर जी मंदिर के पास आए हैं हम। वाह,
तो फाइनली सभी राइडर यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ से नीचे को देखो क्या जबरदस्त है। वाह यार वाह, मजा आ गया। विकास भाई धन्यवाद इतनी अच्छी लोकेशन पे लाने के लिए। वाह यहाँ से दूर दूर तक देखो, मैं जो दिखा रहा हूँ यहाँ से सामने की पहाड़ियाँ देखो। वाह यार, आपको लग रहा है कि उत्तराखंड हिमाचल से कम है? अद्भुत यार अद्भुत। और मानसून के लिए ये लोकेशन बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं बोलूँगा इसको, कि मानसून के टाइम में आप उदयपुर जरूर विजिट कीजिए। वाह यार गजब। तो आप सभी भाइयों ने एक मूवी देखी होगी राजा हिंदुस्तानी, उसमें पालन खेत दिखाता है, बट पालन खेत की खूबसूरती तो दिखाई थी उसमें राजा हिंदुस्तानी में। तो आपको क्या लगता है पालन खेत से कम है? आप सामने देखो यहाँ से क्या जबरदस्त खूबसूरती है यार, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऐसा लग रहा है कि बादल सारे नीचे आ गए हैं, आकाश पूरा नीचे आ गया है, बहुत जबरदस्त। और इधर का दिखाता हूँ, इतनी प्यारी हवा चल रही है, बहुत ही जबरदस्त है। ये देखो सामने देखो क्या जबरदस्त मैदान है, पूरा फुल पिकनिक स्पॉट है, जबरदस्त वाला। तो मेरे जितने भी ये राइडर भाई आ रखे हैं यहाँ पर, मैं सबसे एक एक बार पूछता हूँ कि कैसा लग रहा है यहाँ आगे, मजा आ गया? आज 8 साल बाद स्कूटी चलाया, लेकिन ऐसा लगा कि हैवी ड्राइवर की तरह। वाह मजा आ गया भाई। तुम लोगों को कैसा लगा भाई? मजा आ गया भाई। और देखो हवा भी रुक गई है ताकि तुम्हारी आवाज आ सके, हैवी ड्राइवर बन गई है, फुल एंजॉय कर रहे हैं सभी। तो ये ट्रिप हमें जिंदगी भर याद रहेगा और आप लोग तो देख देख के इंजॉय करते रहोगे। तो ये बैक टू पहाड़ का चैनल आपको पहाड़ की खूबसूरती दिखाता रहेगा, दिखाता रहेगा, दिखाता रहेगा। शाबाश, वाह शाबाश, होय 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 होय। आपको यहाँ से नीचे के जो नज़ारे दिख रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि जैसे गोमुख से नदी निकलती है तो सेम ऐसी लगती है। वाह क्या जबरदस्त घाटियाँ हैं वहाँ पर, देखो लोग फोटो खिंचाने गए हुए हैं। तो फुल पिकनिक स्पॉट है, फुल फैमिली इंजॉयमेंट वाले प्लेस हैं। तो आप कभी भी आओ यार, पर मानसून सीजन पे यहाँ जरूर आओ, कहीं भी जाओ लेकिन यहाँ आना यार प्लीज़, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वाह बैक टू पहाड़ आपको ऐसी खूबसूरती दिखाता रहेगा और दिखाता रहेगा। और हल्की हल्की बारिश चालू हो गई है भाइयों, मस्त वाली, और ऐसा मजा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं यार। ये देखो वाह यार, ये सब फुल एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो तो ऊपर चलेंगे अभी हम बारिश के मजे लेते हुए, और उधर पॉइंट भी देख के आएंगे। वाह कपल फुल एंजॉय कर रहा है। तो बाहर बारिश लग गई है हल्की हल्की और भूख भी लगने लग गई है। उधर हमने स्कूटी खड़ी कर दी अपनी, मौसम आप देख ही रहे हो कितना जबरदस्त हो रहा है, और बारिश की ये लहर जो जा रही है इधर, ये जबरदस्त आ रही है, हवा चल रही है बहुत तेज, और केले कर रहे हैं एंजॉय। वाह तो खड़े खड़े सभी पिकनिक का मजा लेते हुए, और केले सब खा चुके हैं अब यहाँ पर। ये देखो केक, वाह ऐसे मौसम में केला और केक नहीं खाया तो क्या खाया भाई। वाह तो जैसे आपको पता है कि मानसून की बारिश, और मानसून की बारिश जो होती है हल्की सी आती है उसके बाद फिर बंद हो जाती है। तो हम लोग ऊपर पहुँच गए हैं और अब ऊपर चलेंगे थोड़ा देखने के लिए एक चक्कर, जय वैष्णो देवी की। और यहाँ से टॉप का मैं दिखा रहा हूँ जो जबरदस्त है, नीचे का तो आपने देखा ही था अभी, अब यहाँ से ऊपर को दिखा रहा हूँ मैं, और आगे चल के भी दिखाता हूँ उधर का कैसा पोर्शन है। तो इधर फिलहाल पार्किंग कर दिया हमने, तो हम यहीं से दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने केले और वो आपने देखे थे लड्डू वड्डू खाए थे, तो ऊपर भगवान के दर पैसे जाना बेकार है। और ये मैंने दिखा दिया यहीं से आपको, माता रानी की कृपा रहे सभी पे। और अब चल रहे हैं इधर देखने के लिए, वहाँ पर शायद मेरे ख्याल से सेल्फी पॉइंट है ऊपर, तो उसमें चलते हैं और इधर से देखते हैं इधर का क्या कर रहे हैं इधर। और यहाँ से जो इधर की सुंदरता है ना ज़बरदस्त है, मतलब पूरा ट्रिप मेरा ये पैसा वसूल वाला है। और आप फुल इन्जॉय करते रहो, जैसे बैक टू पहाड़ का वादा है, आपको हर खूबसूरती दिखाता रहेगा, तो पूरे फुल इन्जॉय कराता रहूँगा मैं आपको। ऊपर देखो तो ज़बरदस्त है, और यहाँ से इधर के जो व्यू हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये देखो वहाँ पर उधर लेक भी है, शायद डैम वैम बना रखा कोई, तो अगर टाइम लगा तो उधर जाएंगे अभी। वो देखो सामने, वाह यार जहाँ तक मैं दिखा पा रहा हूँ आपको बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीनरी है। और ये सब चले गए उस साइड की तरफ, उस साइड फोटो खींचने के लिए, तो मैं भी उस साइड चलता हूँ आप लोगों को लेके और दिखाता हूँ उधर का कैसा नजारा। जो मैं अभी नीचे से दिखा रहा था, यहाँ पर काफ़ी लोग फोटो खींचा रहे थे, तो हम भी उसी पॉइंट पर जा रहे हैं। वहाँ से सामने का जो व्यू है बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, तो उधर की तरफ चलते हैं आगे। तो सभी लोग यहाँ पर फोटो खिंचाने के तैयार हो गए, और हल्की हल्की धूप भी आने लग गई है, मौसम बन गया ज़बरदस्त वाला, बारिश के बाद धूप का एंजॉय करने का कुछ मज़ा ही अलग है। और फुल एंजॉय कर रहे हैं सभी यहाँ पे, एक एक करके सभी की फोटो खिंचाई जाएगी, फुल एंजॉयमेंट लिया जाएगा दूर दूर तक, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है और जहाँ तक मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, मज़े ही मज़े खूबसूरत नज़ारे ही नज़ारे हैं। आप फुल एंजॉय करो, पहाड़ का चैनल आपकी सेवा में। तो आप सभी लोग मेरे साथ इस खूबसूरत वादियों में होते, मज़ा आता, इंजॉय करते बैक टू पहाड़ की टूरी टीम के साथ,
सभी लोग यहाँ आए हुए हैं घूमने के लिए और फुल इंजॉय कर रहे हैं और दूर दूर के अपने फोटो ले रहे हैं, अपने अपने व्यू पॉइंट को इंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। ये देखो बहुत भीड़ हो रही है, मौसम भी बना हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, सभी जैसे हम आए हुए हैं गुड़गांव से। वाह, मौसम फिर से बन रहा है, मानसून में ऐसे ही होता है, मौसम बनता है, धूप आती है, फिर बारिश आती है, फिर धूप आती है। तो इस पॉइंट से निकल रहे हैं आगे को अब हम, और आगे का दिखाऊंगा मैं, आगे कहाँ चलते हैं। भूख भी लगी, नीचे कुछ खाते पीते भी हैं, जो भी इंजॉयमेंट होगा आपको फुल मस्ती और मजे मिलते रहेंगे। आप बस बने रहिए और इंजॉय करते रहिए मौसम को। तो अभी हम ऊपर से आए हैं, जहाँ ऊपर गए थे अभी मैं पॉइंट दिखा रहा था आपको, और अभी वो सब लोग आ रहे थे तब तक मैं और उमेश भाई नीचे आ गए, और यहाँ पर एक छोटा सा डैम है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये डैम की खूबसूरती भी दिखाई जाए। ये देखो, तो ये नदी है, नदी को यहाँ पर इन्होंने चकडाम जैसा बना दिया है जिससे डैम पानी रोका जाए, और ये पानी सिंचाई के लिए, पीने के लिए, इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता होगा, और काफ़ी पानी है इसमें। वाह, और क्या ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, ये आप देख ही रहे हो, अद्भुत। आगे भी दिखाता हूँ थोड़ा सा मैं आपको, तो ये डैम है। वाह, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है रे। अभी तो मटवेला हो रहा है क्योंकि बारिश हो रही है, तो मिट्टी का पानी सारा इसी में आ रहा है, इसलिए मटवेला हो रहा है। सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं डैम के पास और अपने अपने खोज लेने पे लगे हुए हैं, तो यहाँ के पलों को जितना समेट लिया जाए उतना अच्छा है। ये देखो कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है और सभी अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, मस्त। ऊपर से आ गए हम सब लोग ऊपर मंदिर से, और यहाँ पर भी मंदिर है जैसे मैं जाते समय दिखाया था, और यहाँ पर नदी का पानी इकट्ठा हो रखा है, ये देखो। और यहाँ पर अब हम सोच रहे हैं कुछ पकौड़े वकौड़े खाए जाएँ, तो यहाँ पर चाय और पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े देखो कितने ज़बरदस्त हैं। इधर की थोड़ा लोकेशन का भी दिखा देता हूँ आपको, क्या ज़बरदस्त है इधर की, जय भोलेनाथ। वाह, बरसाती नाला होगा मेरे ख्याल से ये, और अभी ज़्यादा बारिश है तो इस वजह से सारा लेक बना हुआ है पूरा, या लेक भी हो सकती है, बहुत ज़बरदस्त है। चाय पानी की व्यवस्था है यहाँ पे, चाय पानी करते हैं यहाँ पे। ये हेलमेट गेम खेल रहे हैं और हिमू को बताना है कि किसने मारा, स्टार्ट करते हैं। एक दो तीन, गलत 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 गलत, सनी ने तो टच भी नहीं किया, गलत। मारा ही नहीं, मारा ही नहीं, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। पता विकास पकड़ में आ गया, विकास का नंबर है। सनी पता था अगला बन गया तुम्हें बनना है। गलत 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 गलत, पहने रहे भाई, पहने रहे दोबारा से। ए गलत गलत, हेमू 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 हेमू, स्टार्ट फिर से। गलत गलत गलत, ये तो भाई पिटता रहेगा ऐसे। नो नो नो, ये संजय का नंबर। चल भाई बता भाई, गलत 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 गलत, देख लेना। चलो चलो चलो, इधर मारो। बता भाई, गलत 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 गलत। चलो रुक जाओ रुक जाओ, हाँ रुको, चलो चल भाई। गलत 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 गलत, हेमुदी हेमुदी। चलो नेक्स्ट, चलो जल्दी करो यार। गलत गलत, हेमू 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 हेमू। चलो अभी हमारे मिर्ची के पकोड़े आ गए हैं और हम मिर्ची के पकोड़े इंजॉय करते हैं चाय के साथ फुल।
आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। सबने ले लिए मिर्ची के पकौड़े, कैसे भाई? एक नंबर। वाह, दगड़ियों फाइनली नाश्ता हो गया हमारा। और नाश्ता कितने बजे हो रहा है? चाय नाश्ता 2:45 पे। और अब यहाँ से नेक्स्ट लोकेशन के लिए निकलते हैं मस्ती करते हुए। तो तब तक के लिए आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।